नमस्कार दोस्तों, आप लोग पिछले समाचार पत्रों में पढ़े होंगे, WHO की एक रिपोर्ट आई है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वेक्षण करता रहता है हेल्थ के विषय में। तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 15 से लेकर के 20% लोगों को संतान नहीं है। आप सोच सकते हो कि मतलब कितनी बड़ी आबादी है जो संतानहीन है, इसका कारण क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियो में महिला बचपन की बात बताई है, आज हम पुरुष बचपन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और पुरुष बचपन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काज होता है वो एजोस्पर्मिया है। एजोस्पर्मिया के कुछ लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर बिना टेस्ट के स्पर्म टेस्ट आप नहीं कराए हैं तो क्या लक्षण पुरुष में देखने को मिल सकते हैं एजोस्पर्मिया में। पहला लक्षण यह होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है अपनी। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर है, और दूसरा लक्षण है कि चेहरे पर बाल न होना या छाती पर बाल बहुत कम होना। अगर रोगी के पिता को बाल हैं चेहरे और छाती पर, अगर पेशेंट को नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है कि रोगी एजोस्पर्मिया का हो सकता है। और सेक्स की इच्छा ना होना। सेकंड जो है जेनाइटल आर्गन अंडकोश में जो है भारीपन महसूस होना, ये कुछ जो है बाहरी लक्षण आपको देखने को मिलेंगे एजोस्पर्मिया में। अब एजोस्पर्मिया होता क्यों है, इसके दो कारण हैं, एक हार्मोनल है, दूसरा पैथोलॉजिकल है। तो पहले हम पैथोलॉजिकल जान लेते हैं क्या है। अगर टेस्टीज में, आप सबको पता है हमारे अंडकोश में अस्पर्म बनता है, टेस्टीज अस्पर्म बनाता है, अगर उसमें कोई गांठ हो गई है, सिस्ट हो गया है या वेरिकोज वेन हो गई है, बढ़ गई है, तो वहाँ भारीपन महसूस होगा और अस्पर्म नहीं बनेगा। सेकंड जो है हार्मोनल है, हार्मोन डिस्टर्बेंस के वजह से भी एजोस्पर्मिया होती है। जो सेक्स हार्मोन बनते हैं बॉडी के अंदर, वो किसी वजह से बनना बंद हो जाए या कम हो जाए, तो ये बीमारी एजोस्पर्मिया की हो सकती है। और अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के विषय में जो इसमें कारगर हैं। पहली दवा जो हम बताएंगे वो है ए पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते होंगे कि एक प्रकार की ग्लैंड होती है जिसे मास्टर ग्लैंड मेडिकल साइंस में कहा जाता है। ये हमारा जो ब्रेन होता है इसके बेस में पाई जाती है। और इसका मुख्य कारण विभिन्न प्रकार के हार्मोन ये बनाती हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन हुआ और सेक्स हार्मोन हुआ, थायराइड हार्मोन हुआ, बहुत सारे हार्मोन ये बनाती है। अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सेक्स हार्मोन ना बनाए तो भी ये समस्या आ जाती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सेक्स हार्मोन बनाती है सेक्स के लिए, वो टेस्टिस को उत्तेजित करती है अस्पर्म बनाने के लिए। और दूसरी चीज़ यह है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे आप देख रहे हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड मानव की नहीं है, ये भेड़ के पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दवा बनती है। इसका बहुत बड़ा रोल है इस एजोस्पर्मिया में। अगर किसी को एजोस्पर्मिया है तो डॉक्टर की सलाह से दवा आप ले सकते हो। सेकंड दवा जो हम बताएंगे वो है कोनियम
दोस्तों ये भी बहुत अच्छी दवा है एजियोस्पर्मिया की। इसका मुख्य लक्षण है कि रोगी इरेक्टाइल डिसफंक्शन से भी परेशान है होता है या नपुंसकता भी उसमें डेवलप होने लगती है। इसके साथ साथ एजियोस्पर्मिया भी होती है। अगर दोनों हैं तो कोनियम बहुत अच्छा काम करती है। कोनियम के मुख्य लक्षण ये हैं कि रोगी जो है अगर किसी औरत के पास बैठा है या बात भी कर रहा है तो सीमेन उसका निकलने लगता है। और सेकंड थर्ड दवा जो है वो डायमियाना है। इसके विषय में आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो देखे होंगे और सुने भी होंगे। ये भी एजियोस्पर्मिया की जानी मानी दवा मानी जाती है। तो दोस्तों ये दवाइयाँ हैं और एजियोस्पर्मिया के लक्षण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा ये वीडियो देखने के लिए। और आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ एक बार फिर। धन्यवाद।